ये डायल 112 का मेन रोड के ऊपर हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो चुका है। देख पा रहे हैं डायल 112 हम तैयार है। गश्त के ऊपर ये गाड़ी निकली थी और वो सामने ट्रक देख पा रहे हैं आप, वो ट्रक वाला ऑलमोस्ट जो है वो निकल चुका था। पीछे वाला टायर के साथ में ये गाड़ी उलझी है जिसकी वजह से ये एक एक्सीडेंट जो है ये यहाँ पर देखने को नजर आया। डायल 112 की इनोवा गाड़ी जो है वो आगे से बिल्कुल मुड़ चुकी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर है हिसार शहर के रायपुर रोड के ऊपर जो चौक है वहाँ की है और काफ़ी अंदर तक नुकसान जो है वो नो डाउट हुआ है। और हमारी हरियाणा की पुलिस जो है वो नौजवान जो है वो जरूर बच चुके हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मौके के ऊपर आप देख पा रहे हैं हरियाणा पुलिस की डायल 112 नंबर गाड़ी जो है इसका खतरनाक एक्सीडेंट यहाँ पर देखने को नजर आया है। और उधर वो ट्रक खड़ा है भाई, वो जूम करके दिखा दो गोपाल भाई, वो देख पा रहे हैं आप, उस ट्रक के साथ में ये एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। सर से जरूर बातचीत कर लेंगे कि भाई ये किस प्रकार हुआ, वजह क्या रही और ड्राइवर साहब कौन थे। रघुवीर जी आप थे क्या? हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सर कैसे हो गया? आप दिन रात यानी कि ड्राइविंग करते हो, हमेशा रूल का पालन करते हो और उसके बावजूद भी इस प्रकार कैसे हुई घटना? ये मोड़ के ऊपर ही हो गया। अच्छा, तो ट्रक वाले का कसूर था या फिर कैसे हुआ सर, कुछ बता पाएंगे? ये तो मौको देखा फिर बताओ। तो ये देख पा रहे हैं आप, सर चोट वगैरह तो नहीं लगी किसी को? बच गए? चोट किसी को नहीं लगी। कोई एम्बुलेंस की नीड हो तो सर बता दीजिए, मैं मंगवा देता हूं। कोई बचाओ रे यार। तो कहां पर गश्त कर रहे थे सर? गश्त करते हैं ना, दिन में पूरे दिन करते हैं। इवेंट से बताया जा रहा है कि भाई इवेंट से आए थे और रायपुर रोड के ऊपर ये एक एक्सीडेंट होता है। फिलहाल इसको संभाला जरूर जा रहा है लेकिन नुकसान जो है वो काफ़ी है, नो डाउट। गाड़ी का बीमा जो है वो भी ज़रूर होगा और क्लेम इसका हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बुरी बात है कि भाई रोड के ऊपर जब एक ट्रैफिक पुलिस जो है वो खुद इतना नियमों को ध्यान के अंदर रखते हुए चलती है लेकिन उसके बावजूद भी रोड जो है वो नो डाउट सेफ नहीं है। और रात को तो मैंने खुद ने इसी रोड के ऊपर से लाइव करके दिखाया था कि इतनी सारी गाय यहाँ पर खड़ी थी, कोई इलाज नहीं है। ये देख पा रहे हैं हालांकि इस रोड के ऊपर काफ़ी बार एक्सीडेंट जो है वो होते हुए नज़र आते हैं। और रघुवीर जी नो डाउट काफ़ी सामान जो है इनका नीचे गिरा हुआ था जो अब उठाने का काम कर रहे हैं और चोट जो है वो नहीं लगी। हरियाणा पुलिस के नौजवान जो है वो ज़रूर बच गए लेकिन ये एक बड़ी दुखद खबर और हरियाणा की डायल 112 नंबर गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है हिसार शहर के रायपुर चौक के ऊपर। ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, इनोवा गाड़ी है। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? अब सर आपके सामने ही है गाड़ी, जैसे पूरा पार हो गया पीछे वाला एक्सीडेंट अंदर आके ठोक गया। अभी आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा गाड़ी आप पूरा क्रॉस हो गया, आप गाड़ी सामने करा देखो ना, आप पीछे पीछे एक्सल में आके गाड़ी ठोक गया, अब मैं कैसा रोक सकता हूँ? गलती आप बताओ, अब किसकी गलती क्या करें? ये कि रोड से थोड़ा सा गाड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर निकल गई जिसकी वजह से ट्रक के साथ में जाके गाड़ी सीधी सलन चल रही है और पीछे पीछे एक्सल में आके गाड़ी ठोक गई। चलो ये अच्छी बात रही सर, नुकसान नहीं हुआ किसी का, गाड़ी का नुकसान हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। जाना मेरा टायर फूट गया, दो टायर टूट गया, वो देखो सामने यार, डर लाइफ चलो आप चलो। अब नुकसान तो देखो कहीं ना कहीं पे दोनों का बराबर ही हुआ, ये देख पा रहे हैं आप। और जी तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? देखो आप गाड़ी का टायर तो देखो आप सर जी। सर अब क्या कुछ करेंगे? सदर थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे सदर थाने में जाएंगे। तो ओके सर, थैंक यू सो मच। तो मनदीप चैल जी हैं वहाँ पे SHO साहब और गाड़ी को वहीं पे लेके जाया जाएगा। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर डायल 112 का मौके के ऊपर एक्सीडेंट हुआ और ट्रक वाला कह रहा है कि साहब मैं तो आराम से निकल गया था लेकिन गाड़ी जो है वो ट्रक के पीछे वाले हिस्से को जाके बसी है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। और एक बार ये आपका ट्रक दिखाएंगे क्या, कहाँ से हुआ है? है ना भाई साहब, ये देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं आप, गोपाल पीछे दिखा दे भाई, देख लो ये किस प्रकार जो है ये गाड़ी यहाँ से फिलहाल निकल रही है मौके के ऊपर। और आपका ट्रक भी दिखाओगे क्या एक बारी? आ जाओ, गलती किसकी, मेरी है? ये देखो बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं सर यहाँ जिंदल से लोड करके आ रहा हूँ, जयपुर का। हाँ, जिंदल से ही लोड किया है और पूरा मेरा टायर फूट गया, पीछे से गाड़ी पूरा क्रॉस हो गया, पूरा गाड़ी मतलब साइड पार हो गया, अभी पीछे से आके ठोकी। तो आप भी सोचो, आप भी देखो किसका गलती है। अब मेरा हाँ आगे से ठोका होता, यहाँ खड़ा था, मेरा गलती होता। अभी गाड़ी मैंने चला रहा पार हो गया, पीछे से ठोकेगा तो किसका गलती, क्या करें? मैं क्या कर सकता हूँ, गाड़ी कैसे रोकूँ, क्या करूँ? नहीं तभी शायद उन्होंने फिर पूरी बात अपने सामने रखी नहीं, बस थोड़ा बहुत कह के लाजी एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं जांच कर रहे हैं कैसे हुआ तो पता चलेगा। हाँ तो वही तो बात है, अब ये बता रहा आपका गलती है, आप देखो, आप मैं देखो, मैं मेरी राइट साइड चल रहा हूँ ना, मैं साइड चल रहा हूँ आपके सामने, आप मौजूद है, देखो टायर फूट गया मेरा सामने, देखो नहीं जी। अब इसका टायर क्या करो आप बताओ, एक बार इनको जा लेने दो,
उड़ला पास आ जाए भाई गोपाल, पूरे भी तड़कन कड़िया, एक और एक्सीडेंट हो जाए। ये दिखाओ कौन सा टायर फट गया। ओहो ये देखो भाई, ये टायर फट गया। ये देखो ये गाड़ी सीधी अंदर आके बच गई। देखो अंदर तक गाड़ी बच गई जिसकी। ये देखो कलर यहाँ ठुकी है, पीछे के पीछे यहाँ पे ठुकी है। ये देखो ये पीछे तक ये सारा कलर उतर गया डायल 112 का। ये देखो काफी भयंकर नुकसान हुआ भाई साहब आपका भी। कितने का होगा ये टायर? एक ये टायर 24,000 का, एक टायर मेरा पूरा जोड़ा 48,000 का है। अब ये भी देखो, ये भी मतलब टायर भी टूट गया क्या? नहीं ये तो मतलब बस गया, मतलब वो टायर फूट गया पूरा। अच्छा ये बच गया। ये मतलब बस क्रॉस हो गया, बस गया, अभी तक फूटा नहीं है। अब क्या मतलब, तो अभी वैसे देखो आपके सामने ऊपर टूट गया पूरा। तो यहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे ये सामान आप? जयपुर जा रहा हूँ सर। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करूँगा बोलो आप, बोलो क्या करें आप। गलती मेरा है नहीं, मैं गरीब आदमी, मैंने कुछ किया नहीं। मेरा गाड़ी पूरा क्रॉस हो गया, अब पीछे से आगे ठोक गया, उसको तो आप भी बताओ इंसान खड़े, मैं क्या कर सकता हूँ। गाड़ी का नंबर दिखा दो भाई, ये हरियाणा पुलिस की गाड़ी है HR99 क्या ये 0331 है, ये देख पा रहे हैं आप। और डायल 112 की जो है वो गलती बता रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर साहब की, भाई ऐसे ऐसे बात है। और नो डाउट अगर वैसे नेचुरल देखा जाए तो ये ट्रक इधर से आ रहा था और उधर से वो गाड़ी आके इसके अंदर बजी है। पहले यहाँ पे लगी, फिर यहाँ पे लगी, और फिर वहाँ पे लगी। अब इसे ट्रक को सदर थाना के अंदर लेकर जाया जाएगा। पता नहीं गलती जो है वो अब किसकी निकाली जाएगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इंसानियत जो है वो कहीं ना कहीं पर तो देखिए जिंदा ज़रूर है, गलत नहीं करेंगे। क्योंकि SHO साहब वहाँ पे मनदीप चैल जी हैं। और मनदीप जी भाई SHO साहब मैं आपको बता देता हूँ, जो उनसे मिंगनी खेड़ा के अंदर 4 घंटे लगातार तालाब के अंदर घुसकर उस डेड बॉडी को जिन्होंने निकालने का काम किया था, नो डाउट बहुत बढ़िया काम किया था। और आज ये मैटर जो है ये उन्हीं के अंडर के अंदर आया। देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल डायल 112 का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हिसार शहर के रायपुर चौक के ऊपर, जहाँ पर अक्सर बहुत सारी गायें जो हैं वो भी बैठी रहती है। कैटल फ्री शहर हुआ नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट यहाँ पर बहुत होते हैं। वजह पता नहीं चली किस वजह से हुआ, लेकिन आज खुद डायल 112 यानी कि सरकार की खुद की एक गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट का शिकार होगी। आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन में। जो आप देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।